अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन कमाल और आप देख रहे हैं कमाल स्पोर्ट्स। दोस्तों, पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान किस नंबर पर बैटिंग करना चाहते हैं, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, जैसा कि आप जानते हैं, T20 में वो नंबर वन बैटिंग करते हैं, यानी कि ओपन करते हैं और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं। टेस्ट में तो वो पांचवें या छठे नंबर पर आते हैं, लेकिन वन डे में वो किस नंबर पर बैटिंग करना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो चौथे नंबर पर बैटिंग करना चाहते हैं, यानी कि जब बाबर आजम आए बैटिंग के लिए तो उसके बाद वो बैटिंग करना चाहते हैं, यानी कि दो खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हों और चौथे नंबर पर वो बैटिंग करने के लिए खुद को बेहतरीन समझते हैं मोहम्मद रिजवान। और कारकर्दगी भी उनकी देखी जाए तो चौथे नंबर पर सबसे बेहतरीन है। 20 मैच खेल रखे हैं, 742 रन बनाए हैं, 550 प्लस इनिंग और 2 सेंचुरियाँ भी उनके नाम है। 2 सेंचुरियाँ ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ 2019 में बनाई थी, 2019 वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन कप्तान सरफराज अहमद उस वक्त टीम के कप्तान थे और वर्ल्ड कप में उनकी जगह ना बन सकी। लेकिन T20 में शानदार कारकर्दगी के बाद मोहम्मद रिजवान टेस्ट और वनडे में भी पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज बन गए हैं। और वनडे में उनकी कारकर्दगी पर पहले सवाल निशान मौजूद थे, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बैक टू बैक इनिंग्स ने मोहम्मद रिजवान की वैल्यू में इजाफा कर दिया। मोहम्मद रिजवान ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाने के बाद ही अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया है कि वो चौथे नंबर पर बैटिंग करने चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। और चौथे नंबर पर पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, 90 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट है उनका। और पाकिस्तान को चाहिए कि मोहम्मद रिजवान को चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेज दिया जाए, ताकि मोहम्मद रिजवान भी खुश हों और पाकिस्तान की कारकर्दगी में वो नुमाया करदार अदा करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।